Hello, guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today, we are going to discuss the brief summary of the chapter Gopal and the Hilsa Fish. Before this, I have already uploaded a line by line explanation of this chapter. You can check in my playlist. Okay, so let us start with the chapter Gopal and the Hilsa Fish. The main character in the story is the Gopal. ओके एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फ़िश तो जो हिल्सा फ़िश क्या होता है बेसिकली एक फ़िश है ठीक है रो फिश है वो क्या कर रहे हैं उनके जो सीजन चला हुआ है हिल्सा फिश का तो उसमें क्या है कि सभी के सभी सिर्फ फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं जो फिश मोंगर्स हैं जो सेल करने वाले हैं वो भी सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में ही बातें चल रही हैं कि क्या इसका प्राइस है ठीक है और किसे लेनी चाहिए तो पैलेस है जो पैलेस में जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है किंग है वहां पे भी क्या है सभी के सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं वहां पे सभी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है तो जो जो हमारे जैसे पिक्चर में, तो में दिख रहा है आपको किंग है वो क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हर कोई सिर्फ फिश के बारे में बात कर रहा है इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है तो फिश क्या करता है कि इवन दो जो गोपाल है वो भी मतलब इस चीज़ को रोक नहीं सकता कि कोई भी इसके बारे में बात ना करे तो जो गोपाल होता है जो वाई पर्सन होता है इसके कोर्ट किंग के कोर्ट का तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है तो फिर इसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज को तो क्या होता है तो वो घर जाने के बाद गोपाल जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करता वो हाफ शेवन कर लेता है ठीक है और एशिज को अपने उसमें स्मीएड कर लेता है अपने फोरहेड पे लगा लेता है अच्छा शाबी कपड़े डाल लेता है रैगिंग रैग्स वाले फटे पुराने से कपड़े डाल लेता है तो उसने अपनी अपीरेंस को बिल्कुल चेंज कर ले तो जैसे उसकी वाइफ आप देख रहे हो बिल्कुल शॉकड हो जाती है कि वो ये सब कर क्या रहा है है ना तो जब वो जा रहा होता तो उसकी वाइफ उसको उसको रोकती है कि तुम ऐसे क्यों जा रहे हो लेकिन उसकी वाइफ को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है ठीक है तो वो मार्केट में पहुंच जाता उसने फिश खरीद लिया तो अब देखो मार्केट में उसने इसका रीजन क्या था उसने इस तरीके से पीनेस बनाई क्योंकि जो हमारा किंग है उसने ये बात बोली थी कि कोई भी जो हिलसा फिश है उसके बारे में कोई भी बात ना करे तो अगर वो ऐसा ना करता तो सभी उसके हाथ में जो ये हिलसा फिश है तो उसी के बारे में बात करते लेकिन अब उसके बारे में कोई बात नहीं करा अब सिर्फ उसको देख के ही सब बातें बनाए जा रहे हैं कि इसको क्या हो गया है ना तो अब जैसे यहाँ पे पहुँच गया है किंग के पैलेस में पहुँच गया है वो इस तरीके से फिश को ले भी आया लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी बात नहीं करी है हिल्साफिस से रिलेटेड तो जो ये कोर्टियर्स होते हैं किंग के वो मना कर देते हैं वो पहचान ही नहीं पाते कि गोपाल वो देखते हैं पता नहीं कौन है तो वो क्या करना शुरू कर देता है वो डांस करना और सिंगिंग करना शुरू कर देता है तो इस तरीके से जो किंग होता है वो मतलब कि परेशान होकर तो वो बुला देता है कि भाई कौन है बाहर इतना शोर मचा रखा है तो जब उसको अंदर बुलाया जाता है तो एक जो मतलब कि जो और मिनिस्टर वो बिल्कुल भी पहचान ही पाते कोई कुछ उसके बारे में बोलते हैं कोई कुछ बोलता है लेकिन किंग उसे पहचान लेता है तो उसके बाद क्या होता है तो फिर वो उसको किंग को बता देता है कि भाई आपने मुझे आपू कुछ भूल रहे हो तो वो कहते हैं कि क्या भूल रहे हो कि आपने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं फिश लेकर आऊं और कोई भी इसके बारे में बात ना हो तो ऐसा ही हुआ किसी ने भी सिंगल किसी भी पर्सन ने उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं बनी तो जो किंग होता है वो खुश हो जाता है बड़ा ही स्माइल करता है और वो मतलब उसको कंग्रेचुलेसन बोलता है कि तुमने मेरे मतलब कि इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया तो ये एक छोटी सी समरी है और इसका जो मैसेज क्या है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर कोई चाहे कुछ करना तो ठीक है अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है समरी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ चिल्डन बी हैप्पी कीप बाय बाय